थोरी उमरिया रह गई थोरी, उमरिया रह गई थोरी, उमरिया रह गई थोरी। अरे मन भजले सीता राम उमरिया रह गई थोरी, भजले सीता राम उमरिया रह गई थोरी। रे मन भजले राधे श्याम उमरिया रह गई थोरी, अरे मन भजले राधे श्याम उमरिया रह गई बारी। और देखो सारा जीवन ऐसे ही चला गया, कैसे शेर भर का हमने 900 ग्राम तोला, झूठ कपट से जिंदगी निकल गई। दो विषयों में यूं डोले और पाप पुण्य को तोले, दो विषयों में है डोले पाप पुण्य को तोले, दो विषयों में यूं डोले और पाप पुण्य को तोले। राधे सीता राधे चरण करेंगे विश्राम उमरिया रह गई उमरिया रह गई थोरी, उमरिया रह गई थोरी, उमरिया रह गई थोरी, उमरिया रह गई थोरी, उमरिया रह गई थोरी। अरे मन रे मन रे मन भजले सीता राम उमरिया रह गई, अरे मन भजले सीता राम उमरिया रह गई थोरी, रे मन भजले राधे श्याम उमरिया रह गई थोरी, अरे मन भजले राधे श्याम उमरिया रह गई भोरी। तो अंत समय चला जाता है, सारा जीवन यूं ही चला जाता है। इसी प्रकार से भरत जी ने अपना जो मन था वो परमात्मा से हटाकर वो हृदय के सावक में लगा दिया। अंते मति यह सागति, जिस प्रकार से शिवम भैया स्टूडियो वाले, यदि ये लास्ट में स्टूडियो के वाले के पास आप जाओ और वो व्यक्ति एक ही बात कहेगा, आप आधा घंटा सजने में लगाओगे, फाउंडेशन आई लेजन क्या क्या पता नहीं कौन कौन सी बीमारी सब सज के पूरा कंप्लीट करके चेहरा तैयार करोगे, और यदि कैमरे वाले ने कह दिया रेडी स्माइल प्लीज, यदि आप उस समय नहीं मुस्कराए, आपने अपना मुख सही नहीं बनाया, तो समझ लो फोटो खराब आएगी कि नहीं आएगी, बोलो राधे राधे। इसी प्रकार से अंत में जो स्थिति हो जाएगी, भगवान का चिंतन करने की आदत यदि अभी से डल जाएगी, तो अंत समय जब आएगा तो भगवान का चिंतन रोम रोम सांस सांस पर ऑटोमेटिक चलने लगेगा, तो अंत में फोटो आपकी नहीं बिगड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान की। अब उसकी याद में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अंत में अब देखो हिरणी की बच्चे की याद करते करते अपना शरीर त्यागा, तो समझ लो हिरण की योनि में ही जन्म मिला, क्योंकि अंत में याद उसी को किया। अब एकादशी आती है, तृण घास फूल पता कुछ भी नहीं खाते हैं, जानते हैं कि हमसे पिछली गलती हो चुकी है, भगवान आने वाले समय में ऐसी अब कोई गलती ना हो जो दोबारा भूल हमसे हो जाए। अब भगवान का भजन करते हैं, देखो हिरण योनि में जाने के बाद भी परमात्मा का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी भरत कृपा है जो आपने कम से कम हमें फिर दोबारा मौका दिया। भगवान का भजन चिंतन करते करते उन्होंने शरीर को त्याग दिया। अब देखो जब भगवान का भजन किया, पशु योनि में जाने के बाद भी भगवान ने उनकी पुकार सुनी, उसके बाद फिर मनुष्य योनि में, फिर दोबारा मानव योनि में उनको जन्म मिला। उनका जन्म होता है आंग्रस ब्राह्मण पंडित जी के यहाँ। अब यहाँ जन्म होने के बाद उनका जैसे ही कालांतर में समय उम्र बढ़ते ही जैसे ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, तो यज्ञोपवीत संस्कार जब कराया जाता है तो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। अच्छा गायत्री मंत्र जब बुलवाया गया तो गायत्री मंत्र तो बेचारे वो बोले नहीं, क्योंकि वो जान रहे थे कि पिछले जन्म में जो हम गलती करके आए हैं पुनः दोबारा हमसे ना हो जाए,
इसलिए अब बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन मुख बंद कर लिया। बस इतनी बात उन्होंने कही। पिता ने और ब्राह्मणों ने कह दिया, अरे हमें तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल जड़ है, मूर्ख है। अरे हाँ, नाम पड़ गया जड़ भरत। और हम तो एक बात बता दें, ज्यादा समझदार और चालाक बनोगे तो निश्चित आपको एक बात बता रहे हैं कि दुनिया के लोग तुम्हें बहुत, जितने होशियार बनोगे, बोले सो सागर खोले, यदि आप ज्यादा समझदार बनोगे तो तुम्हें 50 काम पकड़ा दिए जाएंगे। अच्छा, थोड़े अनजान बन के देखो, भले ही समझदार हो कि हम कुछ जानते ही नहीं, तो वो तुम पे वजन कभी नहीं आने वाला। ये बात क्लियर है, बोलो राधे राधे। देखो व्यासपीठ से कितनी अच्छी बात मिली है, भैंस वाली जीजी मत बनो। यानी कि कुछ ज्ञान अपना अपने पास रखो, जहां पात्र मिले वहां परोसो। अंत में भगवान का भजन करते हैं, गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करते हैं, नाम रख दिया जड़ भरत। अब नाम तो जड़ भरत पड़ गया, समय बीता, माता पिता गुजर गए। जड़ भरत जी को क्या किया, उनके जो बड़े भाई थे और भाभी, आजकल की भी भाभी, लेकिन यहाँ की जितनी भाभी होंगी बहुत अच्छी होंगी, बोलो राधे राधे। हम दूसरी जगह की बात बता रहे, भाभी ज्यादातर देवरों का ठिकाना नहीं लगने देती, ये भी बता दे। और ननद भी बड़ी विचित्र मिलती है जगह जगह। अब वही हाल यहाँ हुआ, जड़ भरत जी बेचारे मूक रहते, बोलते हैं नहीं, हूं करते हैं, खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, परमात्मा का चिंतन करते हैं। भाभियों ने कहा, खा खा के ये मोटा हो रहा है, अच्छा भला स्वस्थ है, इसको खेत पे जाके छोड़ाओ, कम से कम गाय भैंस जो आजकल जो ढीले फिर रहे हैं, ये कम से कम इनको बचाएगा तो खेती बचेगी, फसल बचेगी, जब खाता है ये 5 किलो। कि हाँ, ये बात सही है। खेतों पर जाकर ड्यूटी लगवा दी, और खेतों के ऊपर जो एक छावनी छही जाती है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ बैठ के कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, मेहरा। हाँ हाँ, वो हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो मेहरा पर जब बैठ के वो वहां से चिड़ियों को उड़ाने के लिए उनको ड्यूटी सौंपी गई। अच्छा, ड्यूटी तो इतनी विचित्र सौंपी गई, लेकिन ड्यूटी का उन्होंने कोई भी अनुसरण नहीं किया, फॉलो नहीं की ड्यूटी। उन्होंने कहा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें क्या लेना देना। एक ही बात कहते हैं, बगाने की जगह एक ही बात कहते हैं कि आइए चुनिए, हमारा कुछ नहीं, भगवान का ही है सब। राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत, आओ पक्षी चुनो सभी, चुनो राम के। और बुलाने लगे तो आके मोर पक्षी जितनी भी वैरायटियां थी सब चुन के फिर ही फसल कर दी। थोड़ी बहुत बची फसल, क्या किया, तब तक गऊए बछड़ा और आ गए तो उन्होंने भी चौपट कर दी। बोलो गोविंद भगवान की। अब यही करते करते देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि ये तो मेरे गोविंद भगवान की गायें हैं, ये तो मेरे गोविंद भगवान के बछड़े हैं। एक ही बात कहते हैं, आइए हम मिलके भी आनंद लें सब लोग। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। का खावे गैया, का खावे ग्वाल, का खावे गैया, का खावे ग्वाल, का खावे गैया, का खावे ग्वाल, का खावे मेरो मदन गोपाल, का खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। भाई आए, भाइयों ने देखा, अरे नास बेटे ने, इसने तो बिल्कुल खेती ही उजाड़ दी, ये तो बिल्कुल मूर्ख जड़ है, मूर्खों में से मूर्ख है। धक्का मार के घर पे आए तो सबसे ज्यादा श्रीमती की ज्यादा चलती है। भाई ने थोड़ा तरस भी किया, अब जैसा है माफ करो, लेकिन घर वालियों ने कह दिया बिल्कुल इसकी शकल से नफरत है, इसे घर से निकालो। घर से निकाल दिया, अब और फ्री हो गए। बोले प्रभु ये बहुत बड़ी कृपा की, क्यों? ये इसलिए कृपा की, अभी कोई ना कोई हमें काम सौंप दिया जाता, कहीं खेत पे कहीं कुछ कुछ नहीं तो पता चले कि खूंटा गाड़ो। अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई, अब बड़े खुश है, जाते हैं वन में विचरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। एक घर दो घर कहीं भी जाते हैं, एक चंदिया कहीं भी मिल जाती है, उसको ही प्रसाद पाके भोग लगा लेते हैं। अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, भीलों का एक जो राजा था उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना के लिए किसी ने उसे बताया कि यदि कोई नर बलि आप यदि देंगे तो निश्चित ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब हुआ क्या, राजा ने किसी को पकड़ के रखा था, वो भाग गया। अब जो कर्मचारी थे, सेवक थे, उन्होंने कहा कि राजा हमें फांसी पे चढ़ा देगा, अब क्या करें भाई, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे 12 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, उसमें भी एक सब्स्टिट्यूट रखा जाता है, कि अब क्या करें। हुआ ये, अब वो घूमने लगे, जैसे ही देखा तो वन में विचरण करते यही मिल गए जड़ भरत महाराज, इनको पकड़ लिया। पूछा कहाँ जाता के हूँ, क्या खाता के हूँ, के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कि यही सही है, ये बता भी नहीं पाएगा कि यही था कि दूसरा था। उठा के पकड़ लिया और ले जाते हैं, और जाने के बाद तैयारी हो गई, नहला दिया, बढ़िया वस्त्र धारण करने के लिए दिए, और भोजन इतना अच्छा दिया, भगवान से कहने लगे प्रभु आज इतनी बड़ी कृपा की है, आज तो बहुत ही आनंद आ रहा है, इतना भोजन अच्छा कभी नहीं मिला। अंत में नर बलि देने के लिए जैसे ही वो तैयार होते हैं, मंदिर पर ले जाते हैं, माँ अम्बे भवानी प्रकट हो जाती हैं, एक ही बात कहती हैं, अरे कम से कम इतना तो देखो, इतने भोले क्यों बन गए हो जीवन में, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बलि चढ़ाई जा रही थी। अंत में माता ने कृपा की है, वहां से चले जाते हैं। और जाने के बाद एक बार फिर ये जा रहे थे तो एक सिंधु सौभी देश का राजा रघुगढ़ जो था वो सत्संग करने के लिए जा रहा था, पालकी में राजा सवार था और पालकी में राजा बैठा हुआ था, जा रहा था, अचानक एक जो कहार था वो अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया। अब फिर एक सावक एक कर्मचारी की फिर आवश्यकता पड़ी। अब कहा राजा ने, भाई सारी प्रजा हमारी सेवक है, किसी को भी पकड़ के लगा लो, कोई मना थोड़ी करा, हम तो राजा है। यहाँ बात तो सही है, पता चला फिर ये जड़ भरत मिल गई, इन्हीं को दोबारा फिर उसमें लगा लिया। अब चलना आता है लेकिन ये संत है, दृष्टिपूतम निषेध पादम, महापुरुष जब भी चलते हैं तो जमीन पर जब चलते हैं तो देखकर चढ़ते हैं, संत महापुरुष देखना, आप चींटियों को बचाकर भी चलते हैं। दृष्टिपूतम निषेध पादम, महापुरुष चलते हैं तो पृथ्वी पर देखकर चलते हैं, महापुरुष चल रहे थे, अब चाल बड़ी स्लोली स्लोली चल रहे थे, लेकिन जब चाल उन्होंने देखी और जैसी चीटियां आती तो उन्हें बचाने के लिए वो छलांग मारते। अब जैसे ही छलांग मारी तो पता चला कि जो पालकी के ऊपर बांस था वो राजा के सर में टच हो गया। राजा ने सोचा ये बांस तो लगना है अंत समय में, अभी से लगने लगा, बोलो राधे राधे, अरे ये कौन है। जैसे ही कहा कि आयम अधु नैव, यानी कि ना द्रुतम प्रजति, इसको चलना नहीं आता, ये कौन है। कर्मचारियों ने कहा ये नया रंग रूप है, नई भर्ती हुई है, थोड़ा चलना नहीं जानता, महाराज इस पे कृपा करो। अंत में जब बुरा भला राजा कहने लगा, जब ज्यादा कहने लगा तो जड़ भरत के नेत्रों से आंसू बहने लगे। जड़ भरत ने कहा कि आज एक संत के कंधे पर पालकी सवार है, और यदि आज हम संत होकर भी इसको यदि हम सत्संग नहीं करा पाए, इसको आत्मबोध नहीं करा पाए, तो आने वाले समय में संसार के लोग ये कहेंगे एक संत के कंधे पर पालकी सवार होने के बाद भी इसको परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो भला संतों की बहुत बड़ी गिरगिरी होगी समाज में, और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि संत कैसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना,
कहा कबिन पर कह नहीं जाना। जो संतों का हृदय होता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत, वो तो परम कर्माण कल्याण की पुरुषार्थ की भावना रखते हैं, सभी का कल्याण करने के लिए हमेशा जिज्ञासा रखते हैं। निज दुख देख द्रवहे न बुनीता और पर दुख देख सुसाधु पुनीता। और हम तो एक ही बात कहते हैं, संतों का समागम है, बाबा घुल महाराज ने यहाँ तप स्थली है उनकी, उन्होंने यहाँ तप किया है, और संत तो भगवान के सानिध्य में जो आता है उसकी बिगड़ी बनती है। तो आइए एक साथ मिलकर हम लोग तालियों के साथ एक भजन गाते हैं क्या। अच्छी बनेगी थोड़ी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी थोड़ी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ो भाग रे तोरी अच्छी बनेगी, होय तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और कागाते तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, और मिट जाए उरे के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी, उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।